हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ अ पोलिटिकल पार्टी A political पार्टी इज a ग्रुप ऑफ पीपल हु कम together टू to कंटेस्ट elections एंड होल्ड power इन द government. मतलब कि लोगों को एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है वट इज द मीनिंग ऑफ पोलिटिकल पार्टी या डिफाइन अ पोलिटिकल पार्टी क्लियर सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज या वट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज वट आर द मेन फीचर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज द मेन फंक्शनज फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज आर फर्स्ट पॉइंट क्या है पोलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन पोलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं इलेक्शंस लड़ती हैं ठीक है, है. दूसरा पॉइंट क्या है दे फॉर्म एंड रन द गवर्मेंट गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑल्सो पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ठीक है is, बहुत सारे आपने देखा होगा जब पोलिटिकल पार्टी जब को, को, कोई पोलिटिकल पार्टी जीतती है तो जीतने के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स वगैरह बनाती हैं और चलाती भी हैं नेक्स्ट वन इज़ पोलिटिकल पार्टीज़ शेप द पब्लिक ओपिनियन हम लोगों की जो राय है उसको शेप देती हैं ठीक है हमारे जो विचार वगैरह हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शेप देती हैं उसके अलावा दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन अपोजिशन का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं क्लियर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार जाती है तो वो फिर अपोजिशन का काम करती है ये आपने याद रखना है तो बच्चों बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल में मैंने ये फंक्शंस या करेक्ट्रिस्टिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स आपके लिए तैयार किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सॉरी व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है हमें ठीक है हमें क्यों इनकी नीड है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो सेम फंक्शन की तरह ही है इसका आंसर कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ टू कंटेस्ट इलेक्शंस इलेक्शन लड़ लड़ने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ठीक है फर्स्ट वन इज़ टू कंटेस्ट इलेक्शन सेकंड इज़ टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट थर्ड इज़ टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन ठीक है नेक्स्ट इज़ टू हेल्प इन रिप्रजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट इशूज़ ठीक है बहुत सारे इशूज़ को रिप्रजेंट करती हैं पोलिटिकल पार्टीज़ इसीलिए हमें पोलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट इज़ टू मेक डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ठीक है बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी लोगों के लिए चलाती हैं इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पार्टी सिस्टम्स इन डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है पार्टी सिस्टम क्या है देखो बच्चों पार्टी पार्टी सिस्टम तीन तरह के हैं ठीक है देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स एंड दे आर वन पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम स्टूडेंट्स वन पार्टी सिस्टम को हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं ये याद रखना है आपने वन पार्टी सिस्टम को हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं इन वन पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्मेंट फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल आप चाइना में देखते हैं एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है और वही गवर्नमेंट बनाती है उसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं जैसे आप चाइना में देखो चाइना में सिर्फ एक ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है ठीक है चाइनीज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यही पार्टी जो है यहाँ पर रूल करती है यही गवर्नमेंट बनाती है सिर्फ एक ही पार्टी है तो जिस कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी हो और वही कंट्रोल करे वही रूल करे तो उसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम ठीक है नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम स्टूडेंट्स टू पार्टी सिस्टम को बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं ठीक है बाई पार्टी सिस्टम इन टू पार्टी सिस्टम ओनली टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट जिस कंट्री में दो पार्टीज हूं दो पार्टीज इलेक्शंस लड़ेंगी ठीक है और उनमें से कोई एक पार्टी तो जीतेगी ठीक है तो जिस कंट्री में सिर्फ दो ही पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं तो उसको हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम इसकी एग्जाम्पल क्या है यू एंड यू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम यू ठीक है दो ऐसे मुल्क जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है वो है यूएसए और यूके क्लियर नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुत ज़्यादा जि, जिस कंट्री में बहुत सारी पार्टीज़ हो तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम इसकी एग्जाम्पल हमारी इंडिया है ठीक है आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारी पार्टी पार्टीज़ हैं ठीक है थीके? तो हम कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम इन मल्टी पार्टी सिस्टम मोर देन टू पार्टीज अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम तो जिस कंट्री में बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं और लड़ने के बाद फिर जो पार्टी जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम तो मल्टी पार्टी सिस्टम की जो एग्जांपल है वो है इंडिया क्लियर इंडिया इज़ द एग्ज़ैम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पार्टीज़ को इन पार्टीज़ को कंट्रोल कौन करता है इन पार्टीज़ को Uh, इनके इनके सिंबल्स कौन प्रोवाइड करता है इलेक्शन कौन प्रोवाइड करता है तो उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ठीक है इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया ठीक है तो इलेक्शन कमीशन क्या है इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की क्लियर अब इसकी जो पावर्स हैं या जो इसकी फंक्शंस हैं या इसका जो रोल है वो हम नीचे पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले आपको ये याद रखना है इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की फर्स्ट पॉइंट क्या है द इलेक्शन कमीशन हैज़ अ राइट टू अलो सिम्बल्स टू द पार्टीज इलेक्शन कमीशन क्या करती है जितनी भी पार्टीज़ के जो सिम्बल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करती है वो इनको अलो करती है जैसे आप देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सिंबल है वो क्या है हाथ है ठीक है आप देखते हैं ना हाथ है इनका सिंबल वैसे ही बीजेपी जो है बीजेपी का सिंबल क्या है लोटस ठीक है तो ये जो सिंबल इनको प्रोवाइड किए गए हैं ये करता है इलेक्शन कमीशन तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेन फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का टू इशू या टू एलो सिंबल्स टू द पार्टीज क्लियर नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज टू गिव्स इट सॉरी इट गिवज रिकोगगनीशन टू द नेशनल पार्टीज स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज इलेक्शन कमीशन जो है ये इन पार्टीज़ को रिकग्नीशन देती है ठीक है जैसे आ, किसको किसको हम नेशनल पार्टी का नाम देंगे किसको हम स्टेट पार्टी का नाम देंगे या रीजनल पार्टी का तो ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है नेक्स्ट इज इट सेट्स लिमिट्स ऑन पोल एक्सपेंसिस ठीक है इलेक्शन का कितना खर्चा होगा कितना होना चाहिए वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो सेट करती है नेक्स्ट इज़ इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ़ कंडक्ट आपने सुना होगा कि इलेक्शन के टाइम जो है वो कोड ऑफ़ कंडक्ट लगता है ठीक है तो वो कोड ऑफ़ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ही इम्प्लीमेंट करती है कोड ऑफ़ कंडक्ट में क्या होता है कि मेजर डिसीजनस या मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी इनागोेशन वगैरह नहीं होती है ठीक है या मेजर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है द कमीशन ऑल्सो प्रिपेयर्स इलेक्ट्रोल रोल्स एंड अपडेट वोटर्स लिस्ट आप देखते हैं कि हर पाँच साल के बाद वोटर्स लिस्ट जो है वो अपडेट होती है ठीक है जो जो बच्चे या जो जो लोग अठारह साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको फिर आ, उनकी वोटर लिस्ट बनती है ठीक है उनका वोटर कार्ड बनता है तो ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रोल रोल्स है या वोटर्स लिस्ट जो है ये कौन अपडेट करता है इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज या जिसको हम रीजनल पार्टीज़ भी कह सकते हैं ठीक है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़ तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो सबसे पहले हम देखें नेशनल पार्टीज़ को सॉरी uh, यहाँ पर ये यह पार्टी की स्पेलिंग गलत हुई है ठीक है अब इसको ठीक कर देना नेशनल पार्टीज़ तो सबसे पहले है नेशनल पार्टीज़ अ पार्टी दैट क्योर्स एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स एंड विन्स एट लीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा इज रिकगनाइज एज अ नेशनल पार्टी एक पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम छः परसेंट वोट्स के साथ जीते तो हम उसको नेशनल पार्टी का नाम देंगे ठीक है एक पार्टी जो कम से कम छः परसेंट वोट के साथ लोकसभा के इलेक्शन में जीती है तो वो नेशनल पार्टी है या अगर एक पार्टी चार स्टेट्स में चार सीटों के साथ जीतती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी होगी क्लियर जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ठीक है ये नेशनल पार्टीज हैं मैं आपको बता दूं बच्चों नेशनल पार्टीज जो है इंडिया में एट प्रेजेंट सात हैं ठीक है देर आर सेवन नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया सात नेशनल पार्टीज हैं ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद है रीजनल पार्टीज तो बिल्कुल नेशनल पार्टीज़ की तरह ही है लेकिन ये स्टेट में होता है अ पार्टी दैट स्क्योर्स एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ़ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्टिव असेंबली देखो लेजिस्टिव असेंबली में अगर एक पार्टी जो है वो छः परसेंट वोट्स के साथ जीतती है तो वो स्टेट पार्ट, पार्टी कहलाएगी ठीक है वो स्टेट पार्टी में आएगी क्लियर तो ये आपने याद रखना है इसकी एग्जाम्पल है जैसे जनता दल ठीक है या आम आदमी पार्टी जनता दल और आम आदमी पार्टी ये आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है ठीक है क्लियर हो गया बहुत सिंपल है नेशनल पार्टीज 6% परसेंट के साथ अगर लोकसभा इलेक्शन में जीती है तो वो नेशनल पार्टी होगी और स्टेट पार्टी 6% परसेंट वोट के साथ अगर वो लेजिसलेटिव असेंबली इलेक्शंस में जीतती है तो वो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी होगी नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में सात मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैं ठीक है तो वो सात मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं कब फाउंड की गई किसने की तो वो हम इसमें इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे द मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर फर्स्ट वन इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम आई भी कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इट वॉज फाउंडेड इन एटीन हंड्रेड एट्टी फाइव बाई एम ये आपने याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है और 1885 में फाउंड की गई थी ह्यूम के द्वारा ये आपने याद रखना है क्लियर नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी बच्चों भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जो है वो है भारतीय जन संघ भारतीय जनसंघ और इस पार्टी को फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ठीक है श्यामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में 1980 में इसका नाम जो है वो बीजेपी रख दिया गया यानी कि भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया गया क्लियर ये आपने याद रखना है भा, भारतीय जनता पार्टी को 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड किया था किस नाम से भारतीय जनसंघ के नाम से बाद में 1980 को 1918 में इस न, इस पार्टी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखा गया जिसको हम बीजेपी कहते हैं एट प्रेजेंट क्लियर उसके बाद है आपका बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वाज़ फाउंडेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पेपर में पूछा जाता है 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को फाउंड किया था दे आर अप होल्डिंग बहुजन समाज डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स दलित्स आदिवासीज़ ओ बी सीज़ एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जितने भी बहुजन समाज के जो ग्रुप्स हैं जैसे दलित्स आदिवासीज ओ बी सीज अक्सर ये है ये बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के लिए काम करती है ठीक है इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम सीपीआई भी कह सकते हैं इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1925 में फाउंड की गई थी ठीक है अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सिग्निफिकेंटली एक्टिव किन स्टेट्स में है जैसे केरला वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ठीक है इन स्टेट्स में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही एक आ, ब्रांच है जो 1964 में अलग हुई ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये सोशलिज्म को सपोर्ट करती है सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है और डेमोक्रेसी को ठीक है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट है आपका ने, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही स्प्रि, से स्प्लिट हुई है ठीक है अलग हुई है फाउंडेड इन 1999 आफ्टर स्प्लीट इन कांग्रेस पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वहीं से ही ये अलग हुई है ये पार्टी ये गांधी गांधी सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है इक्वलिटी को सपोर्ट करती है सोशल जस्टिस को और फेडरलिज्म को क्लियर ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं लास्ट है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ये आपने याद रखना इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाएगी आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये फाउंड की गई थी फर्स्ट जनवरी 1998 को अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी नाम सुना होगा आपने ममता बनर्जी का ठीक है इट्स पार्टी सिम्बल इज़ फ्लावर एंड ग्रास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये एक नंबर का पूछा जा सकता है कि वट इज़ द सिम्बल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो इसका आंसर है फ्लावर एंड ग्रास इंटेंसली इट इज़ इंटेंसली एक्टिव इन द ईस्ट इंडियन स्टेट्स लाइक मणिपुर अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा क्लियर तो बच्चों ये हमने हमारी जो नेशनल मेन पोलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की नेशनल पोलिटिकल पार्टीज सात उनके बारे में पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वाट आर द मेजर चैलेंजिज फेस्ड बाई पोलिटिकल पार्टीज या वट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाई पोलिटिकल पार्टीज तो पोलिटिकल पार्टीज़ को कुछ चैलेंजेस कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं तो वो चैलेंजेस कौन कौन सी है फर्स्ट पॉइंट देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ठीक है हमें इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी इसकी इंटरनल डेमोक्रेसी जो है इसमें कमी पाई जाती है पोलिटिकल पार्टीज़ में जनरली द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ ओनली टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी देखो एक पार्टी जब जीतती है तो सिर्फ गिने चुने दो तीन पर्सन ही जो है वो मेन डिसीजन ले सकते हैं बाकी लो, लोग जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते तो ये एक आ, कमी है एक खामी है हमारी नेशनल पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखना है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी तो जनरली द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन देंड्स ऑफ ओनली टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी क्लियर दूसरा है सक्सेशन डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या है कि जिस पर्सन की कोई पार्टी है इसकी एग्जाम्पल मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी देता हूँ आपको समझ आ जाएगी कि डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है देखो बच्चों एन जो पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में ये फाउंड की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ठीक है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो इनका बेटा है वो चीफ मिनिस्टर बना ठीक है फारूक अब्दुल्ला के बाद बना उमर अब्दुल्ला यानी कि ख़ानदानी ठीक है जिस पर्सन ने पार्टी कोई शुरू की उसके बाद उसका बेटा उसका बेटा जो है ये ये खानदानी रिवाय चलती रहेगी उसको हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन जो दूसरे लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है टॉप तक जाने का तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी फॉर एन ऑर्डिनरी मेंबर टू राइज टू द पार्टीज टॉप मोस्टली द फैमिली मेंबर्स ऑफ द टॉप लीडर्स आर गिवन प्राइरिटीज क्लियर तो ये प्रॉब्लम रहती है ठीक है नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन पार्टीज आर फोकस्ड ऑन विनिंग इलेक्शन तो इलेक्शन के टाइम हर पार्टी जो है वो जीतना चाहती है तो वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज करती है ठीक है करप्शन वगैरह उस टाइम चलती है पैसे वगैरह चलते हैं जिसकी वजह से लोग गलत पार्टी को वोट दे देते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज की तो मनी एंड मसल पार इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ या थर्ड चैलेंज दैट फेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम चांसेस हैं इस क्वेश्चन को पेपर में आने के एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देअ फंक्शंस वेल या सजेस्ट एनी फाइव मेजर्स टू रिफॉर्म पोलिटिकल पार्टीज ठीक है सॉरी यहाँ पर एक्सप्लेन यह जो है ये एक्स्ट्रा आ गया इसको नहीं देखें आप सजेस्ट एनी फाइव मेजर्स टू रिफॉर्म पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज को बेटर बनाने के लिए आप कोई पांच स्टेप्स बताओ ठीक है कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छा बनाया जा सकता है फर्स्ट पॉइंट देखें अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऐसा कानून एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिसके तहत जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता चले ठीक है तो वो रेगुलेट होता जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो उसका हमें पता पता लगे ठीक है फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पोलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टिकट्स अबाउट वन थर्ड टू विमेन कैंडिडेट्स अच्छा दूसरी दूसरा एक रिफॉर्म क्या है कि एक पोलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि उनको कम से कम टिकट्स मिलें ताकि कुछ टिकट्स जो हैं वो जैसे वन थर्ड टिकट्स जो हैं वो कैंडिडेट वीमेन कैंडिडेट्स को भी मिलें ठीक है कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जानी चाहिए किसके लिए वेमेन के लिए जैसे वन थर्ड सीट्स ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस स्टेट जो है वो फंड्स uh, वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए इलेक्शन के लिए द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देअ इलेक्शन एक्सपेंसेस अब इलेक्शन के टाइम जितना भी खर्चा होगा वो कौन वो गवर्नमेंट को भी देना चाहिए तो ये भी एक सजेशन uh, है नेक्स्ट है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक चलाया गया है जिसके अकॉर्डिंग कोई एम एम एल ए या एम पी जो है च, पार्टी को चेंज नहीं कर सकेगा ठीक है तो ये इसको मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ पास्ड टू प्रिवेंट एम पीज एंड एम एल एज़ फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है आपका इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन टू गिव एन एफिडेविट रिगार्डिंग हिज वेल्थ एंड क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट हिम जो भी पर्सन मतलब इलेक्शन uh, लड़ता है तो उस वो पर्सन जो है उस पर्सन को एक एफिडेविट देना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा है उसके पास मनी uh, कितना है ठीक है कोई केस तो नहीं चल रहा है उसके अगेंस्ट तो ये कुछ रिफॉर्म्स थी जो हमने आज uh, इस क्वेश्चन में पढ़ी ठीक है थीके? तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चन पढ़े स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें